ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की आवाज पर हुई डीडीए की बैठक। बैठक में तीन प्रस्तावों पर लगी मोहर, कन्वर्जन चार्ज में होगी भारी कमी, सीलिंग से मिलेगी राहत। जस्टिस लोया बोफार्स और जल्लीकट्टू समेत कई अहम फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। लोया केस में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच इन याचिकाओं की सुनवाई करेगी। जल्लीकट्टू मामले को कोर्ट ने संवैधानिक पीठ को सौंपा। शिवसेना नेता संजय राउत का भाजपा पर करारा हमला, कहा ट्रेलर था गुजरात चुनाव, राजस्थान उपचुनाव इंटरवल 2019 में दिखेगी पूरी फिल्म। सीलिंग के खिलाफ 48 घंटे तक सील हुई दिल्ली, 7 लाख से ज्यादा दुकानों पर लटके ताले। दिल्ली में गुरुग्राम के स्कूल जैसी घटना आई सामने, दिल्ली में स्कूल की टॉयलेट में मिला 14 साल के छात्र का शव, परिजनों का आरोप है कि दोस्तों ने पीट पीट कर मार डाला। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो के बड़े बेटे डियाज बालाट ने हवाना में की खुदकुशी, खबरों के मुताबिक कास्ट्रो डियाज लंबे समय से डिप्रेशन में थे। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदान में फंसे 900 से ज्यादा लोग, सेंट्रल फ्री स्टेट के वेलकम शहर के पास हुआ हादसा। सूत्रों के मुताबिक तेज आंधी तूफान के बाद बिजली की लाइनें टूटने के कारण मजदूर सुरंग और शाफ्ट में फंसे रह गए। सेंसेक्स में करीब 600 अंक की भारी गिरावट, सेंसेक्स 580 अंक गिरकर 35,324 के स्तर पर और निफ्टी 167 अंक गिरकर 10,849 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आमिर खान की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार ने चीन में की जबरदस्त कमाई, फिल्म ने 2 हफ्तों में की 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई। फिल्म पद्मावत के निर्देशक संजय लीला भंसाली ने रणवीर सिंह की सराहना करते हुए बताया, रणवीर है एक शानदार अभिनेता। जिनत अमान के साथ छेड़छाड़ और धमकाने के मामले में आरोपी को मुंबई पुलिस ने लिया गिरफ्त में। आरोपी का नाम सरफराज उर्फ अमन खन्ना बताया जा रहा है। आरोपी एक्ट्रेस जिनत अमान को व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियोस भेजकर और फोन करके परेशान करता था। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।